गाइस कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों शेयर चैट में प्राइवेसी कैसे करें, यानी आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर को कोई नहीं देख पाए, आपकी फॉलोइंग लिस्ट को कोई नहीं देख पाए, आपके सारे अकाउंट का प्राइवेट हो जाए और सारा कुछ प्राइवेसी हो जाए, तो आपको अकाउंट प्राइवेट करना सारा कुछ करना, तो आपको बताऊंगा प्राइवेसी के बारे में, शेयर चैट की प्राइवेसी के बारे में। तो गाइस आपको प्राइवेसी कहाँ मिलती है, गाइस आपको देखिए शेयर चैट के अंदर आ जाना, फिर यहाँ देखिए आपको सेटिंग का आइकन दिखाई देता है, सेटिंग आइकन आपको क्लिक कर देना, ठीक है। सेटिंग आइकन को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको प्राइवेसी सेटिंग आपको दिखाई देती है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि वो कैन सी माई फॉलोअर्स लिस्ट। अगर आप किसी को फॉलोअर लिस्ट नहीं दिखाना चाहते तो आप पे यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई देते हैं, नो वन, म्यूचुअल फॉलोअर्स, ऑल फॉलोअर्स या पब्लिक। सबसे पहला है नो वन। नो वन का मतलब होता है आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। म्यूचुअल फॉलोअर का मतलब होता है कि आपने जिसको फॉलो कर रखा है और उसने आपको फॉलो कर रखा है तो आप उसको दिखा सकते हो। ऑल फॉलोअर्स मतलब सभी फॉलोअर्स को, और पब्लिक को मतलब पब्लिक को। और म्यूचुअल में शायद मुझे कंफर्म नहीं है, शायद यही था मैंने तो बताया, लेकिन कोई अगर मैंने गलत बताया तो मुझे कमेंट में मुझे बता देना। तो यहाँ पर नो वन क्लिक कर देना, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना तो ओके कर देना, ओके कर देना, ठीक है। नीचे वाला है वो कैन सी माई फॉलोइंग लिस्ट। अगर फॉलोइंग लिस्ट को आपको नो वन करना तो नो वन कर सकते हो, ओके कर देना। वो कैन टैग मी इन पोस्ट। अगर आपको किसी को टैग नहीं करना चाहते आप, या किसी को करने नहीं देना चाहते, तो नो वन कर दे, ओके कर दे। यहाँ पे देखिए एड्स टारगेटिंग और ब्लॉक लिस्ट, आप किसी को ब्लॉक भी कर सकते हो। तो यही है हमारी प्राइवेसी लिस्ट, आप यहाँ पे प्राइवेसी लिस्ट देख सकते हो। फॉलोइंग लिस्ट को अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, शेयर लिस्ट को करना चाहते हो तो कर सकते हो, सारे कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। प्राइवेसी की सेटिंग आपको यहीं भी मिलती है। और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको शेयर चैट में तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और इस बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय।